हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वाचिंग प्रियाज डेकोर मंत्रा। सो आज का जो DIY है वो बहुत ही सिंपल और इजी है। मैं आपको इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करती जाऊंगी कि अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। अभी इस वाले DIY को तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्यों ट्राई करना चाहिए? क्योंकि एक तो ये बहुत ही सिंपल है बनाना और इसे एक ही दिन में आप बना सकते हो। इसमें ज़्यादा कलर्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 कलर्स चाहिए और आपका DIY रेडी हो जाएगा। ये वाला जो DIY है वो मेस फ्री DIY है और वो मैं ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूँगी कि कैसे आप इसको मेस फ्री रख सकते हैं। और ये जो है ना, ये थोड़ा इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये रूट से जोड़कर रखेगा। और अगर आपके घर में वाइट बोरिंग वॉल है तो उस पर अगर ये DIY लगाते हो तो इसको फटाफट से ये अपलिफ्ट कर देगा। और ये जो 2 कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये कभी भी ऑफ ट्रेंड नहीं जाएगा, ये हमेशा ट्रेंडिंग ही रहता है। तो आप इसे एक बार बनाइए और हमेशा इससे घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूँगी, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस DIY के लिए मैंने ये प्लेट्स ली हैं। ये प्लास्टिक की प्लेट है, लोकल मार्केट में मुझे इजीली मिल गई थी। सो ऐसी मैंने 10 प्लेट्स ली हुई हैं और इस पर मैं सबसे पहले बेस पेंट अप्लाई कर रही हूँ। सो अगर आप एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे तो इसमें जेसो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लास्टिक की पेंट है, इस पर कलर चढ़ेगा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर वॉल पेंट यूज़ किया है। ये ब्राउन कलर मैंने ऑलरेडी आपके साथ में कुछ DIY शेयर करे हैं, जैसे मैंने एंट्री वे का मेकओवर किया था वहाँ पर ये यूज़ किया था। एक मैंने टेबल बनाया था वुडन लुक का, उसमें ये पेंट का यूज़ किया था, तो वो ही मेरे पास बचा हुआ था, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मैंने इन प्लास्टिक की प्लेट को आगे और पीछे दोनों तरफ से पेंट करा है। दोनों तरफ से पेंट करना बहुत ज़रूरी है और एक ही कोट अप्लाई किया है। और इससे ना वॉल पेंट से बहुत ही अच्छी एक मैट फिनिश आती है चौक टाइप की, तो ड्राई होने के बाद ये पूरा चौक पेंट जैसा दिख रहा है। वॉल पेंट की जगह पर आप चौक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी कलर आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी गर्मी के समय में ये फटाफट से ड्राई हो गया था और मैं अब इस पर डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं जो सबसे पहले जो ट्रिक आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है ब्रश से कैसे हम बना सकते हैं। तो इसके लिए 0 नंबर का ब्रश लेना है और वाइट एक्रेलिक कलर से डिज़ाइंस को बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी ट्रेसिंग नहीं करी है, डायरेक्टली मैंने ब्रश की हेल्प से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो पेंसिल से ही बनाइए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा पेंसिल से ही ट्राई करना। आगे के जितने भी डिजाइन है वो मैंने पहले ट्रेस किए हैं पेंसिल से और उसके बाद में इसे बनाया है। तो डायरेक्टली ब्रश से अब बनाने की जगह पर पहले पेंसिल से बनाएंगे तो उससे फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आएगी। और ब्रश का इस्तेमाल अगर आप नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी मेरे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूंगी। बहुत ही ईजी है, मेस फ्री आप DIY से बना सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे आप देखना। और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं कि उससे कैसे आप इजीली वर्क कर सकते हैं ताकि वो मैसी ना हो और आपका काम बहुत ही अच्छे से बनकर आए। तो इस वाली प्लेट पर मैंने एक बर्ड की डिज़ाइन बनाई है और उसमें सिंपल ट्रेडिशनल कुछ डिज़ाइंस ऐड करके इसे फिल किया है एंड ये वाली प्लेट अभी रेडी है। सेकेंड के लिए मैंने अगेन पेंसिल से सबसे पहले एक ड्राइंग ट्रेस कर लूँगी, बना लूँगी। इसे मैंने हैंड से ही बनाया था और बहुत ज़्यादा अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं। सो पेंसिल से बनाएंगे अगर तो कुछ भी गड़बड़ होती है उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैं आपके साथ में टिप शेयर कर रही हूँ, अगर आप ब्रश से डिज़ाइन बनाने में कम्फर्टेबल नहीं हैं तो इस तरह का 3D कोन आउटलाइनर आता है, ये 25 रुपीज़ का मिलता है। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर का जो कलर था उसे निकाल दिया है, वो थोड़ा सा थिक होता है और उसमें मैं वाइट एक्रिलिक कलर फिल कर रही हूँ। इसे फिल करना बहुत आसान है, सिंपली थोड़ा सा डालना है और डैब 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 करके उसको अंदर तक फिल करना है। वैसे आप एम्प्टी बॉटल भी ले सकते हैं और अगर आपके पास हो तो एम्प्टी बॉटल ही लीजिए, क्योंकि ये जो 3D कोन आउटलाइनर आता है ना, वाइट कलर में भी आता है, तो उससे बनाने में मुझे थोड़ा सा हाथ में पेन हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है कि वो थोड़ा सा थिक होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से आप DIY बना सकते हैं, हाथ भी नहीं दुखेगा और बहुत ही फ्लोई अच्छी कंसिस्टेंसी में ये बनकर आएगा। अभी इसको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार देख लो कि अच्छे से फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आप प्लेट पर इस पर डिज़ाइन बनाना। अदरवाइज़ अगर वो अच्छे से नहीं आया ना तो एक साथ बहुत सारा निकल सकता है और वो पूरी डिज़ाइन को ख़राब कर सकता है। तो मैंने इसको टेस्ट कर लिया था और उसके बाद इसे सिंपली धीरे धीरे से ही प्रेस करते हुए बनाना है। ये
ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसको धीरे धीरे प्रेस करना है, क्योंकि इसमें हमने कलर फिल किया है जो कि ऑलरेडी फ्लोई कंसिस्टेंसी का है, तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे ना, बहुत कलर बाहर आ जाएगा। तो बस ये छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखना है। और इतना अच्छा लगता है ना, वो बोलते हैं ना कि आर्ट करने से स्ट्रेस रिलीव होता है, तो एक्चुअली में ये वही DIY है जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, बनाने में इतना मज़ा आएगा ना कि ये डिज़ाइन कभी ख़त्म ना हो ऐसा लगेगा। मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अच्छे से ये सारा डिज़ाइन मैंने बना लिया था, और वन बाय वन बनाया था। ऐसा नहीं कि सारी डिज़ाइन मैंने एक साथ बना लिया उसके बाद कलर कर लिया है, जैसे जैसे स्पेस मिलता गया वैसे वैसे मैंने इसमें डिज़ाइंस बनाई हैं। तो मैंने यहाँ पर लीव्स बना ली है, उसमें और डिज़ाइंस ऐड कर लिए हैं, और जो पैटर्न है ना वो बहुत सिंपल रखे हैं। वैसे तो मैंने इसमें सारे एनिमल्स के डिज़ाइन बनाए हैं, लेकिन आप चाहो तो आप फ्लोरल डिज़ाइंस भी बना सकते हो, या ट्रेडिशनल जो वाइब्स होती हैं वैसी वाली डिज़ाइंस बना सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइंस आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। और ये वाली जो डिज़ाइन है ना, इनको बनाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, इसमें गड़बड़ कुछ हो ही नहीं सकता है। सिंपली आपको लाइंस खींचनी है और बस DIY बन जाएगा। और ये कलर कॉम्बिनेशन तो इतना यूनिवर्सल है कि इससे आप गड़बड़ भी कुछ बना देंगे वो भी बहुत ही सुंदर लगने लगेगा। तो ये वाले आप पैटर्न जरूर ट्राई कर सकते हो। आपको जैसी भी प्लेट मिले, घर में यूज्ड प्लेट मिले, आप उसको कलर कीजिए, ये बनाइए। इससे आपके घर के बोरिंग वॉल बहुत सुंदर बन जाएंगे, बहुत ही ट्रेडिशनल वाइब ऐड करेगा। इसमें आप चाहे तो मिरर वर्क भी लगा सकते हैं, बट ये प्लेट बहुत छोटी थी तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिरर वर्क नहीं किया है। अभी इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, तो इसकी डिज़ाइन जो मैंने बहुत सिंपल रखी है, ये सिंपल फ्री पैटर्न है। जो भी डिज़ाइन मुझे सिंपल लगता है वही मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और आप इसे एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक ही काउ का डिज़ाइन बनाया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं बनाऊंगी, बट इसका एक बहुत ही इजी फॉर्म मुझे मिल गया था तो वो मैंने बना लिया। क्योंकि अगर आप इस तरह के एनिमल या ह्यूमन बीइंग बनाते हैं तो उसके अगर फेस के स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं आएंगे ना, तो वो पूरा बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ड्रेस करके बना लीजिए, वरना जैसे अगर आपको एलिफेंट बनाना है तो बहुत सारे टाइप के एलिफेंट्स मिल जाएंगे। आप कोई ईजी वाला उठा लो जो आप बना सकते हो, बस आप यही देखो कि अच्छा दिख रहा है वो बात अलग है, ये देखो कि आप क्या बना सकते हो। क्योंकि अगर आपने अच्छे वाले को गड़बड़ बना दिया तो वो डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो सिंपल वाला पैटर्न स्टार्ट कीजिए और उसे बनाइए, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। इन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में तो आप कुछ भी बना देंगे ना, वो अच्छा ही लगेगा। आप बच्चों को दे सकते हैं ये बनाने के लिए, और इसमें कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो इसमें अगेन पेंट कर दीजिए, वापस से ठीक हो जाएगा। और इसे स्टिक करना बहुत आसान है, इसमें नेल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जो टेराकोटा प्लेट्स होती है वो हैवी होती है, उनको लगाने के लिए आपको नेल्स लगाने पड़ेंगे वॉल में। ये प्लास्टिक की प्लेट है, इसमें जस्ट आपको डबल साइडेड टेप से भी आप इसे चिपका सकते हैं। तो ये इस तरह से सारे मैंने ट्राई किए हैं कि हर एक डिफरेंट एनिमल्स में इसे बना लूं, और बाउंड्रीज मैं सबकी सेम बनाने वाली हूं। तो एक प्लेट में मैं इस तरह से बाउंड्री बना लेती हूं, वाइट कलर से आउटलाइन कर लूंगी, और इसमें छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बना लूंगी बाउंड्रीज पर। तो यही सेम पैटर्न मैंने सारी प्लेट्स पर किया है, उससे क्या होगा, सारी प्लेट्स एक जैसी लगेगी। वैसे तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि सारी प्लेट अलग अलग लगे, बट मैंने इस तरह से बनाया है कि सब एक जैसी लगनी चाहिए। तो बाउंड्री अगर आप बॉर्डर एक जैसी बना देंगे तो सब अच्छा लगेगा। एंड सारी प्लेट्स मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब इसमें वॉर्निश करना। तो मैंने बताया था मेस फ्री सारा DIY है, तो इस तरह की स्प्रे वॉर्निश आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका ब्रश खराब नहीं होगा, वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फटाफट से ये ड्राई भी हो जाता है। तो बस इस प्लेट को वॉर्निश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप वॉर्निश यूज़ कीजिए। और मैट फिनिश में आता है, ग्लॉसी में आता है, जो आप करना चाहें, लेकिन दोनों तरफ से, आगे पीछे दोनों तरफ से इसमें वॉर्निश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मिरर ऐड करना चाहते हैं ना, तो वॉर्निश के ही ऐड करना, ठीक है। और ये इस तरह से DIY मेरा रेडी हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि अगर वार्निश किया है और नहीं किया है तो कैसा लगता है। तो ये वाली प्लेट वार्निश वाली है, और एक और प्लेट है ये बिना वार्निश वाली है। तो देख सकते हैं डिफरेंस, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। और इसको सिक्योर करने के लिए वार्निश लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर बाद में खराब भी होता है ना, तो उसे गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। और ये सारे DIY प्लेट रेडी है, मैंने ऐसे 10 प्लेट्स रेडी किए हैं, एक ही दिन में बन गया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इसे बनाना बहुत आसान है। और बस इसे मैं वॉल पर लगा दूंगी, आप इसका फाइनल रिवील एंजॉय करना। आप बताना मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, इजी लगा कि नहीं लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile.
looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feeling good. Yeah, but double two.